ना मामा आवाज दे रही है आपको। अमना क्या है कासिम? मामा आवाज दे रही है, आवाज नहीं आ रही आपको? सुनाई दे रहा? जवाब क्यों नहीं दे रही? क्यों क्यों मैं हर वक्त इनकी हर बात का जवाब दूं? हमने ये आप कह रही हो? इंसान हूं मैं भी, है ना? जब से यहां पे आई हूं कासिम, इन लोगों ने मुझे अपना गुलाम ही बना लिया। कैसी बातें कर रही है, आप होश में तो हैं? क्या गलत कहा है मैंने? आपने भी तो सारी जिंदगी इन लोगों की गुलामी की है ना? आपसे बेहतर कौन जान सकता है ये लोग कितने थैंकलेस है। अच्छा बस बस, फजूल की बातें मत कर हमसे, होश में रह अपने। होश में तो अब आ रही हूं मैं। लग नहीं रहा मैं। क्यों क्यों कासिम, क्यों मैं उनकी हर बात मानूं? हे कौन ये लोग? मम्मो, करीमन और वो आपके खालू खयाम सानी। अच्छा बस, खबरदार अब बदतमीजी की हमसे। खालू के बारे में कुछ भी बोला हम खाया। हरकतें देखी आपने उनकी? पूरा क्या हुआ? लुक क्यों गया? मारो, क्यों रुक गए कासिम? मारे ना, मारे मुझे, मारे, मर देना, दिखाए अपनी मर्दांगी। सब एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है आप में और टीपू में, कोई फर्क नहीं है कासिम। दवाई खा लो। सस्सी ले, खुदा के लिए जिद ना करो बेटा। नहीं खानी मुझे दवाई, मुझे नहीं होना ठीक। मामा आप जाइए, हम दवाई खिला देंगे। करें सस्सी, खुद पर नहीं तो कम से कम घर वालों पर तो तरस खाए। हम सब आपसे जुड़े हैं सस्सी, आपको तकलीफ होती है ना, तो हम सबको तकलीफ होती है। कासिम, कासिम तुम्हें पता है, तुमने कहा था ना अपने अंदर की असल सच्ची को ढूंढे। मैंने वही किया। तुम जानते हो क्या मिला?
पास से। कमबख्त कुछ है ही नहीं तेरे सिवा, सब कुछ खाली। ये इन सब से कुछ नहीं होगा, मेरी असल दबासत तू है। नहीं 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 सस्सी नहीं, मत करिए। बहुत मुश्किल से खुद को समेटा है सस्सी, बार बार ये सर में मत डाले हम पे सस्सी, हम टूट जाएंगे, हम बिखर जाएंगे। फिर हम वो कासिम भी नहीं रहेंगे जिसको आप मोहब्बत करती हैं। मत करो सस्सी, बस मत तंग करो हमें। तुम भी मम्मू की तरह पत्थर हो गए ससी, जिन मर्दों के बुत आपने तोड़े हैं ना, हम भी वो ही बुत हैं ससी। हमें बुत ही रहने थे, हम वैसे ही हैं। अगर हम टूट गए, बिखर गए ससी, तो अपने आप से नजर नहीं मिला सकेंगे। हाँ करते हैं, करते हैं मोहब्बत सस्सी, मगर बस करें। अब फट डाले हम इतनी आजमाइश में, मजबूर हैं, बता रहे हैं मजबूर हैं, हम बहुत मजबूर हैं। बस 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 यही सुनना था। जाओ अपनी मीना के पास, तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। आमिना, वो जो खयाम कह रहे थे, अम्मो मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। चलो जैसा भी तुम चाहो, मगर मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि कासिम बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, अपने दिल को बदसन मत करना उसके लिए। मोहब्बत नहीं करता है वो मुझसे, सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा है। वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। जानती हूँ, मुझे ये दुख नहीं है कि कासिम मुझसे मोहब्बत नहीं कर पा रहा। दुख तो ये है कि वो किस कदर मजबूर हो गए। अंदर ही अंदर घुट रहा है वो, ये भी जानती हूँ कि कभी मुझे धोखा नहीं देगा।
खुद को कब तक धोखे में रख पाएगा वो मामू? पटा हुआ इंसान कभी किसी का नहीं हो सकता। एक बात कहूं आमना, कहिए। तुम कासिम को लेके यहां से चले जाओ, बहुत दूर। जी आप कह रही हैं, इसी में सबकी भलाई है। क्या ये इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स आपके लिए? क्या करें हम इसका? मेरे साथ लंदन चलें कासिम। नहीं कासिम, अब और नहीं रुक सकती मैं यहां पे। नहीं रुक सकती आप? हम आपको बता रहे हैं, हम घर वालों को छोड़ के नहीं जाएंगे, बस। घर वालों को या सस्सी को? फिर शुरू हो गई। हम ना सस्सी के होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मम्मो की वैसे यहां पे रुके हुए हैं। अगर मम्मो भी यही चाहें तो? अगर मम्मो भी ये चाहती है तो ये वाहिद बात होगी जो हम इनकी नहीं मानेंगे, याद रखिएगा। कहाँ जा रही हो? ससी मेरे हॉस्टल से हटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या करोगी मुझसे कह के? तुमने जो भी कहना सुनना था कासिम से सुन लिया, मुझसे क्या चाहती हो ससी? मैं ये सब कुछ जानबूझ के नहीं कर रही, जहाँ देखती हूँ वही नजर आता है। तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हें भी वही दिख रहा है। क्या करूं यार, बड़ी तकलीफ में हूं, प्लीज मेरी मदद कर दे। वही कर रही हूं ससी, लेके जा रही हूं कासिम को यहां से। ना वो यहां होगा ना ही तुम्हें दिखाई देगा। कहां कहां लेके जा रही हूं कासिम को? कासिम कहीं नहीं जा सकता मुझे छोड़ के। ससी छोड़ो मुझे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मैं कासिम को लेके जाऊंगी। नहीं जाएगा, नहीं कैसे? छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं जाएगा, नहीं जाने दूंगी मैं। कासिम नहीं जाएगा, कासिम नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, हां छोड़ो, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। सुकून मिल गया? हाँ मिल गया सुकून। कितनी बेहस हो सालिम, तुम्हें किसी की तकलीफ का जरा से भी एहसास नहीं होता। कैसी तकलीफ? जरा सी मुंह चाहिए ना, मर तो नहीं गई वो। तुम मीना के करीब भी कहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो आपकी अपनी है ना, और मैं क्या हूं? मलूस, बद्दुआ, अपने लिए भी और उन सब के लिए जो तुमसे मोहब्बत करते। मैं ना मां बनने वाली, खुदा ना करे कि उसके बच्चे को कुछ हुआ। Thank you.
सर, आपको डॉक्टर साहिबा बुला रही हैं। क्या क्या हुआ सब? खैरियत है? आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, मगर आप प्लीज डॉक्टर साहिबा की बात सुनिए। ये क्या कह रही हैं आप? हम ना कैसे कर सकती हैं आप डॉक्टर से ऐसी बात? हम ना हम आपसे बात कर रहे हैं। सही कह रही है डॉक्टर, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बताएं हमें? एक माँ होते हुए आप ऐसी बात कर भी कैसे सकती हैं? इस बच्चे की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है हमें जरूरत? बताएं क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हकीकत में ये बच्चा आपको भी नहीं चाहिए। जैसे मैं आपके और सस्सी के बीच में आ गई हूँ, वैसे ही बच्चा भी पहले ही एक गैर यकीनी रिश्ते में फंसे हुए हैं। कासिम, इस बच्चे को पैदा करके मैं मजीद गैर यकीनी की दलदल में फंसना नहीं चाहती। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, मेरा आखिरी फैसला। तसल्ली हो गई आपकी? क्या हुआ? वो जो इस घर में एक मजबूत दीवार रह गई थी, उसमें भी दरार डाल दी ना आपने। नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। माफ कर दो। एक मजबूर भाग की फरियाद समझकर माफ कर दो। कासिम तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरी वजह से तुम आपका बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाइएगा।
जो कुछ भी होने जा रहा है इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। चलें, इस रिश्ते में और कुछ नहीं तो कम से कम एक दूसरे की नदामतें तो बांट सकते हैं। बांटती तो मैं आ रही हूं, मुझे कभी पूरे मिले ही नहीं था सर। आपको सब पता था, पहले दिन से पता था, हम आपको बताते रहे पर आप इनकार करती रही। इसमें हमारी क्या गलती है? हमारी एक एक सांस इस घर की मकरूज है। आप जो हमसे मांग रही हैं जाकर भी नहीं दे सकते आपको। नहीं बेआसरा छोड़ सकते अपने मोहसिन को। चाहे जो भी हो जाए मेरा और आपका बच्चा, जैसे ही बच्चा आप में सांस ले रहा है ना ऐसे ही घर वाले बसते हैं हमें। अगर ये नहीं तो हम नहीं। आप में हिम्मत होगी कि अपना हिस्सा काट सके? अगर हम में हिम्मत नहीं है इतनी। बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप मेरे साथ का से। माना कि हम आपके कसूरवार हैं, अगर जो सजा आप तजवीज कर रही है ना हमारे लिए तो हमारे जुर्म से बहुत बड़ी है। हम ना बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं, आ जाइएगा। सस्ती से निकाह कर ले। नहीं करना चाहते ये। आपको क्यों ये बात समझ नहीं आती है? आ गई है समझ। सारा दिन नंगे सर घूमती है वो, उसके सर पे चादर डालते कहा कर ले उससे। मैंने तुम्हें जानबूझ के धक्का नहीं दिया था कसम से। जानती हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? मारने आई हो? मारोगी क्या? नहीं, तुम पहले कौन सा जी रही हो सस्ते? मैं
तुम्हारे साथ बुरा नहीं करना चाहती हम ना, तुम मुझे अच्छी लगती हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं, कुछ सोचता ही नहीं है, कमबख्त खून में घुल गया है रंगों की तरह, सांस नहीं लिया जाता आमना, कसम से। मैं क्या करूं सस्सी, मेरी भी तो सांसें उसी से जुड़ी है ना, तो फिर अब क्या करें, दोनों ही मजबूर हैं यार, बांट लेते हैं सब। नहीं, क्या कह रही हो सी, नहीं आमना, नहीं निभेगी, खास लोग रिश्ते नहीं निभाना जानते, बल्कि अब्बा और मुझे तो मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए, बड़े नालायक हैं हम दोनों इस मामले में, खुद अपना ही माथा चूमते रहते, ये तो तुम मम्मू और कासिम जैसे लोगों को ही मुबारक, जाओ आमना, छोड़ दी तुम्हारे कासिम की जान, तुम्हें तुम्हारा कासिम मुबारक हो। मैं जाऊं अप्पा, कहां जाना चाहते हैं? कहां जाना चाहते मालूम नहीं, कासिम ने कहा था अपने अंदर की सस्सी को तलाश करो,
मिली? सस्सी क्या जिसकी तलाश मुकम्मल हो जाए? जानती हो वो सस्सी का जन्म बनू नहीं था, सस्सी का जन्म तो वो सफर था, वो सहरा था जो उसको निकल गया। सस्सी को पन्नू कभी नहीं मिलता? पन्नू कौन था कभी सोचा तुमने? क्या कोई पन्नू सस्सी को तकलीफ कर सकता है? क्या कोई पन्नू मर्द हो सकता है? मर्द बहुत खुदगर्ज होता, कच्चे रंगों से बना। वो है जिसने सब कुछ तख्लीक किया, सस्सियां बनाई, और जब वो आवाज देता है तो सस्सी दीवाना वार सफर पे निकलती है, सराओं की खाक छानती है, और वो मिलकर भी नहीं मिलता। क्योंकि वो जानता कि सस्सी को मंजिल से नहीं, सफर से इश्क है। जाओ मालूम है मुझे, सस्सी को कोई रोक सकता है?